अपनी सुरीली आवाज से ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाले और अपनी म्यूजिकल स्किल्स से 2000 और 2010 के दशक में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाले आर्टिस्ट के कहा करते थे कि एक सिंगर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसे प्रोमिनेंटली देखा जाए, बल्कि उनका मानना था कि अ सिंगर मस्ट बी हर्ड। एक सिंगर को देखे जाने से ज्यादा सुनना जरूरी है, और ये सच भी तो है। आखिर कोई आर्टिस्ट तभी तक तो प्रोमिनेंटली देखा जा सकता है जब तक उसके शरीर का अस्तित्व है, लेकिन उसके बावजूद उसका म्यूजिक कई मायनों में अमर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केके के उनके लिसनर से जुड़ाव के सफर की पूरी कहानी को। तो केके के स्टेज नेम से फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत का जन्म 23 अगस्त 1968 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करने के लिए केके ने दिल्ली में ही स्थित माउंट सेंट मैरी स्कूल में एडमिशन लिया, और यहाँ से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स की फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी, और इसके बाद अपनी डिग्री के आधार पर करीब 6 महीने तक एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रोल में जॉब करी। लेकिन इस सब के दौरान केके के अंदर सिंगिंग का एक ऐसा नेचुरल टैलेंट पनप रहा था जो खुलकर दुनिया के सामने आने को उत्सुक था। केके अपनी पढ़ाई के दिनों में स्कूल और कॉलेज के कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, और इनकी वोकल एबिलिटी को सभी के द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जाता था। कहा जाता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आज तक केके ने सिंगिंग से जुड़ी किसी भी तरह की किसी फॉर्मल ट्रेनिंग का सहारा नहीं लिया था। खैर, शुरुआती सीख के तौर पर इनकी नानी ने इन्हें संगीत की घरेलू शिक्षा दी थी, जो खुद म्यूजिक की टीचर हुआ करती थी। अपने इसी नेचुरल और गॉड गिफ्टेड टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब को छोड़कर साल 1994 में केके ने मुंबई जाने का फैसला किया, और मुंबई आने के बाद अपनी किस्मत को आजमाते हुए लुई बैंक, रंजीत बैरोत और लेस्ली लुइस जैसे एस्टैब्लिश सिंगर्स को इन्होंने अपनी डेमो टेप दी। इसके बाद इन्हें यूटीवी के द्वारा बुलाया गया और एक एड शूट के लिए गाना गाने का मौका दिया गया। अपनी सुरीली आवाज के दम पर केके ने सभी एड कंपनीज को अट्रैक्ट किया, और कुछ ही समय में इनकी डिमांड काफी बढ़ गई, और उस डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि करीब 4 साल के टाइम स्पैन में इन्होंने हिंदी सहित 11 लैंग्वेजेस के 3500 जिंगल्स गाए थे। आपको बता दें कि जिंगल्स एक तरह का शॉर्ट सॉन्ग होता है जो मेनली एडवर्टीजमेंट या किसी दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जिंगल से आगे बढ़कर साल 1996 में केके ने एआर रहमान के साथ कलूरी साले और हेलो डॉक्टर में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया। उसके बाद तमिल मूवी मिंसरा कनवु के लिए उन्होंने स्ट्रॉबेरी कनई सॉन्ग गाया, और तुरंत ही केके को बॉलीवुड से भी बुलावा आ गया। बॉलीवुड के लिए इन्होंने अपना पहला गाना तड़प तड़प के इस दिल में गाया, जिसे 1999 की बॉलीवुड फिल्म हम दिल दे चुके सनम में शामिल किया गया था, और यही गाना इनके म्यूजिकल करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी साल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल म्यूजिक कंपनी सोनी म्यूजिक इंडिया में लॉन्च हुई थी, और वो उस वक्त नए आर्टिस्ट के तलाश में थी। सोनी म्यूजिक की इस खोज के बाद जिन आर्टिस्ट को इसमें सेलेक्ट किया गया उसमें केके का भी नाम शामिल था, और केके के लिए ये एक बेहद सुनहरा अवसर था। सोनी म्यूजिक से जुड़ने के तुरंत बाद केके ने अपनी सोलो म्यूजिक एल्बम रिलीज करी, जिसका टाइटल था पल। इस एल्बम के कुछ गाने जैसे कि आपकी दुआ, यारो और पल ने कुछ ही दिनों में युवाओं की जुबान पर कब्जा कर लिया था, और केके को अपनी इस एल्बम के लिए स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर भी दिया गया था। इसके बाद केके का म्यूजिक करियर आगे बढ़ता गया, और जनवरी 2008 में उन्होंने अपनी दूसरी एल्बम रिलीज करी, जिसका टाइटल था हम सफर। उस एल्बम के भी कई गाने जैसे कि आसमां के, देखो ना और ये कहां मिल गए हम काफी हिट हुए। इसी बीच बॉलीवुड की पसंद बन गए थे केके। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के ऑन स्क्रीन पर्सोना के लिए लगभग हर फिल्म में केके के ही गाने इस्तेमाल होने लगे। यही वो वक्त भी था जब इंटरनेट का आगमन देश भर में बढ़ने लगा, और वहां से भी केके के गानों का दौर उठने लगा। इमरान हाशमी की मूवीज में केके के गानों की अहमियत इतनी बढ़ गई कि उनकी कई फिल्मों को देखने के लिए लोग सिर्फ उनके गानों से आकर्षित होकर आते थे। केके के हिट गानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद शाम हो जाए, इसीलिए आप इस काम में हमारी मदद कीजिए। आपको केके का जो भी गाना सबसे ज्यादा पसंद हो उसका नाम हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जिंगल्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स के अलावा केके ने जस्ट मोहब्बत, शकला का बूम बूम, कुछ झुकी सी पलके, हिप हिप हुर्रे और जस्ट डांस जैसे कई टीवी शोज में भी गाया। इसके साथ ही आज तक के एक टीवी शो सुरीली बात में भी केके नजर आए। MTV अनप्लग्ड के तीसरे सीजन में भी इन्होंने परफॉर्म किया, और गोवा, दुबई, चेन्नई और हांगकांग जैसी जगहों पर अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के जरिए इन्होंने ऑडियंस के दिलों तक का सफर तय किया। दोस्तों, अपनी गॉड गिफ्टेड वॉइस और लोगों के दिलों में उतर जाने वाले अपने गानों के साथ केके कई कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। ब्लैक आईड इवेंट्स हाउस ने केके के लिए ऐसे ही एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। 31 मई 2022 को होने वाला एक कॉन्सर्ट गुरदास कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के लिए आयोजित किया गया था। इस कॉन्सर्ट में उमड़ी भीड़ की वजह से इन्हें घबराहट होने लगी और पसीने से तरबतर हो गए।
इसी हालत में केके को होटल के कमरे में ले जाया गया जहां इनकी हेल्थ और बिगड़ने लगी। आनन फानन में इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी सासों ने उनका साथ छोड़ दिया। और इसी तरीके से केके ने अपनी आर्ट को अमर बनाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केके बेशक आज इस दुनिया को छोड़ चुके हों पर उनके गाने और उनकी लेगेसी हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेगी। तो दोस्तों ये थी केके के म्यूजिकल करियर के सफर की पूरी कहानी, उस सफर की कहानी जिसने देश के लाखों करोड़ों लोगों को खुद से मिलवाया, उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द दिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।